साथियों, आज जिन चार प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है उससे यहां का रेल नेटवर्क और सशक्त होगा। इस तीसरी लाइन के शुरू होने से खड़गपुर आदित्यपुर खंड में रेल की आवाजाही बहुत ही सुधरेगी और हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों में होने वाली देरी कम कर पाएंगे। आजिमगंज से खागड़ाघाट रोड के बीच दोहरी लाइन की सुविधा मिलने से मुर्शिदाबाद जिले के व्यस्त रेल नेटवर्क है उसको भी राहत मिलेगी। इस रूट से कोलकाता न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दानकुनी बारहवींपाड़ा इसके भी चौथी लाइन का प्रोजेक्ट तो वैसे भी बहुत अहम है। इसके तैयार होने से हुगली के व्यस्त नेटवर्क पर बोझ कम होगा। इसी तरह रसूलपुर और मगरा का सेक्शन कोलकाता का एक प्रकार से गेटवे है लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़भाड़ वाला है। नई लाइन शुरू होने से इस समस्या में भी काफी हद तक राहत मिलेगी। साथियों, ये तमाम प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल को उन इलाकों से भी जोड़ रहे हैं जहां कोल इंडस्ट्री है, स्टील उद्योग है, जहां फर्टिलाइजर तैयार होता है, अनाज पैदा होता है। यानी इन नई रेल लाइनों से जीवन तो आसान होगा ही, उद्यम के लिए भी नए विकल्प मिलेंगे और यही तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य होता है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। यही तो आत्मनिर्भर भारत का भी अंतिम लक्ष्य है।